हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के जरिए गुलमर्ग में क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें कश्मीरी दस्तकारों के जरिए बनाई गई चीजों की नुमाइश की जा रही है। इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कश्मीर महमूद अहमद शाह ने किया। 10 रोजा एग्जीबिशन में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़ी चीजों के 20 स्टॉल लगाए गए हैं। एग्जीबिशन का मकसद घाटी के कारीगरों को मार्केट से जोड़ने और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ग्रास रूट लेवल पर एक नई पहचान दिलाना है। वहीं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने इस शोबे से जुड़े लोगों को सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने की सलाह दी, ताकि मकामी दस्तकारों और प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया जा सके। वहीं डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कश्मीर महमूद अहमद शाह ने इस मौके पर कहा कि इस एग्जीबिशन के जरिए बाहर से आए टूरिस्ट कश्मीर के लोकल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की चीजों को बतौर यादगार खरीद सकेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है, गुलमर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ विंटर में भी रश रहता है और समर में भी, और गंडोला बेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के हवाले से। तो हमने जो है ये 10 दिन का एग्जीबिशन गंडोला बेस स्टेशन में लगाया है, और हमारी कोशिश यही है कि आर्टिजन्स को थोड़ा प्लेटफॉर्म दे और वो जो है टूरिस्टों को डायरेक्टली अपना माल बेच पाए। उससे जो है एक तो हमारा आर्टिजन प्रमोट होता है और हमारा क्राफ्ट प्रमोट होता है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डायरेक्टली आर्टिज़न अपना सामान बेच सकता है और वो उसकी मेहनत का जायज़ मुआवजा जो है वो हासिल कर सकता है। कि जो ये हमारी दस्तकारी है, ये बाहर के लोग भी दिख सके ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। जो महमूद साहब भी आज आए इस फंक्शन में, डायरेक्टर साहब कश्मीर के जो है, उन्होंने भी यहाँ इंतज़ाम करके रखा है हमारे लिए। जो जो सारा सिस्टम है टूरिस्ट के लिए लगा रखा है हमने यहाँ, चाहे वो पश्मीना है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो और भी दस्तकारी है, जो हाथ से बनता हुआ सारा आइटम बाहर के लोगों के लिए है।